नगरीय निकायों में संचालित छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने शुक्रवार को भिलाई चरोदा निगम में ई रिक्शा रैली निकाली गई। महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में चरोदा हनुमान मंदिर से निकले इस रैली को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी मनीष बंछोर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सभापति कृष्णा चंद्राकर, आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर सहित विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने अपनी सहभागिता दी। भिलाई चरोदा नगर निगम ने आज जनहित में एक नई और अनूठी पहल की है। स्वच्छ भारत योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शासन से प्रदत्त 30 ई रिक्शा की रैली निकालकर निगम में संचालित शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों से लाभ उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी मनीष बंछोर ने हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित संतोष शर्मा के साथ सभी ई रिक्शा का पूजा अर्चना कर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महापौर निर्मल कोसरे ने स्वयं ई रिक्शा चलाकर रैली की अगुवाई की। मौके पर निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर व आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर सहित पार्षद और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रैली में शामिल सभी ई रिक्शा में छत्तीसगढ़ शासन की नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं से संबंधित पोस्टर लगाए गए थे। जन्म मृत्यु जाति निवासी सहित 13 तरह के प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत टोल फ्री नंबर 14545 पर डायल करने की अपील की गई। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, सस्ती जेनेरिक दवाइयों के लिए धन्वंतरी योजना, युवा कला संस्कृति एवं खेल के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना और स्वयं की जमीन पर पक्का आवास बनाने मोर मकान मोर चिन्हारी योजना का लाभ उठाने की अपील आम जन मानस से की गई। मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शासन से निगम को 26 ई रिक्शा मिल गया है। अभी 70 ई रिक्शा और आना है। इससे निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर हो जाएगी। महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि शासन से मिले ई रिक्शा से रैली निकालकर लोगों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भिलाई 3 व चरोदा शहरी क्षेत्र में रैली निकाली गई है। आने वाले दिनों में इस तरह की रैलियां ग्रामीण वार्डों में भी निकालकर लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। वहीं सभापति कृष्णा चंद्राकर ने कहा कि स्वच्छता कार्य के लिए शासन से ई रिक्शा आने के बाद ग्रामीण वार्डों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिसका लाभ स्वच्छता सर्वेक्षण में निगम को मिलने भी लगेगा। ये भिलाई चरोदा नगर निगम का बहुत अच्छा प्रयास है। ई रिक्शा शासन के माध्यम से इन लोगों को 30 ई रिक्शा प्रदान की गई है। उसमें शासन के जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन योजनाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए प्रसारित करने के लिए इन लोगों ने ई रिक्शा में फ्लैक्स वगैरह का प्रावधान किया और पूरे वार्ड में यह शासन की योजना जनता तक पहुंचेगी और इसका लाभ जनता को मिलेगा। क्योंकि निगम क्षेत्र में कई स्लम एरिया होते हैं और कई लोगों को पता ही नहीं रहता कि शासन ने उनके लिए क्या महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है भिलाई चरोदा नगर निगम का। मैं महापौर जी उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। ये ई रिक्शा जो छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, आप देख रहे होंगे कि सारे हमारे ई रिक्शा में माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का फ्लैक्स लगा हुआ है। इस रिक्शा को शहर में घुमाने का हमारा मेन उद्देश्य यह है। मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत अभी छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना की शुरुआत हमारे नगर निगम क्षेत्र में किया है। साथ ही साथ धनवंतरी मेडिकल स्टोर की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम चाहते हैं कि इसका लाभ अंतिम लोगों तक मिले। भिलाई चरोदा के रहने वाले 40 वार्ड के हमारे हितग्राही हमारे नागरिक इसका लाभ उठाए। इसी उद्देश्य से आज प्रचार प्रसार के नाम से आज हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। ये पूरे 40 वार्डों में घूमेंगे। साथ ही साथ इसका एक हम लोग पाम्पलेट भी बांट रहे हैं ताकि लोगों को योजना का लाभ मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके। मुझे उम्मीद है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत में हमारा छत्तीसगढ़ में भिलाई चरोदा नंबर 1 आता रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा नगर निगम भिलाई चरोदा नंबर 1 में आएगा। लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, कचरे इधर उधर ना डालें, जो भी सूखा और गीला कचरा है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले बहनों के हाथ में ही दे। स्वच्छ भिलाई चरोदा बनाने में मैं भिलाई चरोदा वासियों को अपील करता हूँ कि हमारा सहयोग करें। ये हमारे CM साहब का सोच है। वार्ड हितग्राही हितग्राहियों के लिए कचरा इकट्ठा जो हो जाता था उसमें अपन
पैडल वाला था, आज बैटरी वाला हो गया। इससे बहुत लाभ होगा, इससे काम बहुत ज़्यादा होगा। हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल जी का ये सोच बहुत ऊपर है। मैं बार बार बोलता हूँ कि सोच हर प्रदेश से ज़्यादा ऊपर है और गरीबों के हित के लिए और लाभ के लिए हमेशा सोचते हैं। हमारा निगम क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य निकायों से बड़ा क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे भले हम घरों का प्रति रिक्शा कलेक्शन कम है, लेकिन जो क्षेत्र था एक स्वच्छता दीदी को ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता, उसके दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने शासन से 30 ई रिक्शा की मांग की थी। 30 रिक्शा की सप्लाई हुई है। आज 30 रिक्शा की पूरी रैली निकल रही है महापौर सभापति जी के नेतृत्व में, विभिन्न योजनाओं के, जो मितान योजना है तथा आपका धनवंतरी मेडिकल योजना है, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, तीनों योजनाओं का प्रचार करते हुए साथ में जो सबसे बड़ी योजना है जिसके तहत ये नक्शा मिला है, स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, उस योजना के तहत हम लोगों ने आज जो है रैली निकाली है। आम जनता से सबसे पहले तो स्वच्छता, आप सभी को मालूम है विगत कई वर्षों से यहाँ स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो आम जनता से पहला निवेदन कि गीला कचरा और सूखा कचरा कलेक्ट करके जो जहाँ भी गाड़ी जाए। दूसरा छत्तीसगढ़ शासन ने भी जैसे मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, धनवंतरी मेडिकल योजना जिसमें 56% तक मांगी, और तीसरी योजना अभी जो 1 मई को लागू की है मुख्यमंत्री मितान योजना, उसके तहत 145-45 में फ़ोन करके आप जो नगर निगम की सेवाएं प्लस राजस्व विभाग की 13 सेवाएं वर्तमान में 13 सेवाएं चालू की गई हैं फौरी तौर पर, वर्तमान में सारी लगभग सेवाएं भविष्य में सरकार इसी योजना के तहत जा रहे, आप घर बैठे फ़ोन कीजिए, आप हमारा निगम का मितान मुख्यमंत्री मितान आपके पास पहुँचेगा, वो आपसे सारे आवश्यक दस्तावेज कलेक्ट करेगा, आपको अपलोड करेगा और प्रमाण पत्र बनने के बाद आपके घर देगा। इसके लिए एक नॉमिनल शुल्क 50 रुपये शासन ने रखा है, तो शुल्क पटाइए और उसका लाभ उठाइए, घर बैठे काम कीजिए। खासकर ऐसे लोगों से निवेदन है जो सुबेरे 8 बजे से निकल जाते हैं, जैसे हमारे मजदूर लोग हैं या शासकीय कर्मचारी हैं, और दिन भर या ऑफिशियल के दिन निगम ऑफिस या सरकारी ऑफिसों में छुट्टी होती है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएँ और इस जो मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित हों, ये मेरा निवेदन है सभी लोगों। बहरहाल इस अवसर पर वार्ड पार्षदों सहित निगम के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।